देख बेटा, आज चैप्टर नंबर सेकंड बेटा शुरू कर रहे हैं और इसलिए लंबा चैप्टर है बेटा, छोटा नहीं है, कम से कम 20 घंटे के आसपास आएगा चैप्टर नंबर सेकंड। इसमें पहला टॉपिक पोटेंशियल ले रहे हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा पोटेंशियलिटी पॉइंट, तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस और चौथा पोटेंशियल ऑफ द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, अगला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। पांच टॉपिक होंगे जिसमें बेटा फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और ये न्यूमेरिकल्स की खान है। इसमें इतने न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करना है, बहुत ढंग से करना है इसको। और सबसे पहले लेंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, तो बड़ा ढंग से समझो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। देख बेटा, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं बेटा वो है पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स की खान है, बड़े ढंग से समझा पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे, पहले प्रैक्टिकली समझो। आपको पहले बहुत पहले समझाया था बेटा कि प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम पढ़ रहे हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारा क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। और मेरा क्वेश्चन है कि सर हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड द बी, तरीका समझो, बाद में डेरिवेशन करा। टॉपिक है बेटा कि हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द बी, क्वेश्चन ये है। तो देखो बेटा, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो बी पॉइंट पे, फिर समझो बी पॉइंट पे क्या रखो बेटा टेस्ट चार्ज, बी पे क्या रखा टेस्ट चार्ज। अब जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखेगा तो रैपल होगा या करेगा, तो आंसर आएगा सर रैपल होगा, तो टेस्ट चार्ज इस तरफ को आएगा, तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो मैंने आपसे कहा बेटा अगर दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना पोटेंशियल डिफरेंस, तो बी पॉइंट पे क्या रखो टेस्ट चार्ज, तो जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखेगा तो इस तरफ को आएगा, फील करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब ये टेस्ट चार्ज इस तरफ को आ रहा है और इस टेस्ट चार्ज को अगर हम बी से ए, बी से ए तक अगर लेके आते हैं, इसे प्रोसीड कराते हैं, तो वी हैव टू कंप्लीट सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इस वाले टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, उतना ही इन दोनों के बीच में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। फिर समझो, अगर मैं कहूं बेटा कि हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड द बी, तो जो लॉजिक है, जो तरीका है, वो तरीका ये कहता है बेटा कि इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो डी पॉइंट पे क्या रखो टेस्ट चार्ज, प्लेस कर दिया। जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखेगा तो इस तरफ को क्या फील करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, इस तरफ को आएगा। अब इस टेस्ट चार्ज को अगर हम डी से सी लाएंगे, डी से सी तक अगर इसको लेके आएंगे, तो ऑफिस हमें वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये जाना चाह रहा है इस तरफ को और हम लेके आएंगे डी से सी, तो ऑफिस है कि मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इसे डी से सी तक लाने में मुझे जितना भी वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, उतना ही इन दोनों के बीच में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसका तरीका होता है। अगर ये आ गया तो डेरिवेशन अपने आप आ जाएगी। एक बार फिर समझ लो, अगर मैं कहूं कि मुझे इन दोनों के बीच में क्या निकालना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब डी पॉइंट पे क्या रखें टेस्ट चार्ज, तो डी पे जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखेगा तो वो इस तरफ क्या फील करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब क्वेश्चन ये है कि टेस्ट चार्ज आ तो इस तरफ हो रहा है, अगर हम इसे डी से सी लाएं तो ऑब्वियस है वी हैव टू कंप्लीट सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इस टेस्ट चार्ज को डी से सी तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, उतना ही इन दोनों के बीच में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ऐसा कर दें कि इसको हम सी पे रख दें, अगर इसे हम सी पे रखें तो खुद सोचो, अगर इसे सी पे रखेंगे तो डी तक आने में वर्क थोड़ी करना करना पड़ेगा, अगर इसको सी पे रखेगा तो अपने आप ही डी पे आ जाएगा, तो हमें वर्क करना नहीं पड़ेगा, और वर्क करना नहीं पड़ेगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो इसे लर्न कर लो, अगर हमें कभी भी क्या निकालना बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, तो टेस्ट चार्ज कहाँ रखेगा डी पॉइंट पे, यहाँ पे क्या रखा टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज को जैसे ही यहाँ पे रखेगा तो वो इस तरफ को क्या फील करेगा बेटा फोर्स ऑफ रिपल्शन, इस तरफ को प्रोसीड करेगा। अब ये जा इस तरफ को रहा है और हम इसे लाएंगे डी से सी, इस तरफ को लेके आएंगे, तो वी हैव टू कंप्लीट सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और इसे यहां से यहां तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, उतना ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, तो बोले पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप यही कहेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो आपने बोला उसको डिफाइन कर दो, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज, टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए क्या टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कहां पे? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर समझो कि देख बेटा, मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। पर भी अधूरी डेफिनेशन है। आपने बोल दिया सर कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कहां पे? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अभी ये क्लियर नहीं है बेटा कि सी से डी ला रहे हैं या डी से सी ला रहे हैं। तो हमें एक बार और ऐड करना पड़ेगा, अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर आप ये वर्ड लिख देते हैं बेटा कि अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि इट इज प्रोसीडिंग फ्रॉम डी टू सी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि सर पोटेंशियल डिफरेंस जो बोला बिल्कुल इसी फॉर्मेट को हम लोग पूरे पोटेंशियल में यूज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कहां पे? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसे? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर आपने अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन मेंशन कर दिया तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि सर अगेंस्ट आ रहा है, मतलब प्रोसीडिंग फ्रॉम डी टू सी। और आपने ये वर्ड नहीं लिखा तो उसको रिलेटिव नहीं होगी कि सी से डी है, डी से सी है। तो लॉजिक आपको आ गया होगा। अब इसके अगर हमें छोटी सी डेरिवेशन लिख लें बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो डेफिनेशन है बेटा। ये तो तरीका समझाया कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, कैसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस को फिर समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, सिंपली इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग किसको, टेस्ट चार्ज को, कहां? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कहां पे? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब इसके बेटा एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को आप और समझे। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो आपने अब तक पढ़ा इसको दो तीन बार सुनना, फिर आगे प्रोसीड करना। सपोज करें बेटा दैट्स द पॉजिटिव चार्ज और दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही बिल्कुल। और मेरे पास दो पॉइंट्स माने मैंने ए और बी, एंड द सेपरेशन इज आर ऑफ ए और दैट सेपरेशन इज द आर ऑफ बी। अब समझो टॉपिक क्या है बेटा। ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने दो पॉइंट्स माने हैं ए और बी एट द गैप ऑफ आर ए एंड द आर ऑफ बी। एंड द क्वेश्चन इज कि सर हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द बी। फिर से एक बार बिल्कुल लाइन से पढ़ते जाना टॉपिक को। सबसे पहला पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा, लेट ए प्लस क्यू चार्ज शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला पॉइंट, टेक टू पॉइंट्स ए एंड बी, टेक टू पॉइंट्स ए एंड बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गैप ऑफ आर ए एंड द आर बी, इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी फाइंड आउट। In which the potential difference is to be find out. फिर समझ लो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने प्लस क्यू चार्ज माना, ये क्या माना, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने दो पॉइंट्स माने ए और बी, कितने गैप पे, आर ए एंड आर ऑफ बी, इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी फाइंड आउट। तो मेरे दिमाग में आया सर आपने अभी तो पढ़ाया, जो हमारा लॉजिक है अगर हमें इनके बीच में क्या फाइंड करना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, तो तरीका क्या कहता है बेटा कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे, कहां प्लेस करूं, ए पे या बी पे? तो आंसर आएगा सर बी पे। कहां प्लेस करेंगे? बी पे। और जैसे ही यहां पे टेस्ट चार्ज को रखेगा तो वो क्या फील करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इस तरफ को प्रोसीड करेगा। अब इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं बी से ए तक लाऊं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और जितना भी वर्क करना पड़ेगा उतना ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तरीका मेरे दिमाग में आ चुका है कि टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स प्लेस ए टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट ऑफ बी। मैं वही करता हूं बेटा, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स प्लेस ए टेस्ट चार्ज एट बी, प्लेस ए टेस्ट चार्ज एट बी, यही तो बोलता हूं बेटा। अगर आपको दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो कुछ भी ना करें बेटा, प्लेस ए टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट ऑफ बी। अब सोचो कि जैसे यहां पर हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा, तो पूरा साइंटिफिक बना,
टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स प्लेसिंग टेस्ट चार्ज एट बी। तो आपको सोचो यार, जैसे यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखेगा तो क्या फील करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, और कितना फील करेगा। पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी चार्ज को रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो चार्ज एक फोर्स फील करेगा, और वो कितना फील करेगा, q नॉट इनटू a e। तो टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स प्लेसिंग टेस्ट चार्ज एट b, सो एक्सपीरियंस सम फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या फील करेगा बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और कितना फील करेगा, F equals to Q naught into A E। और ये स्टफ को करेगा कि सर F equals to Q naught into A E। फिर आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने आपको बोला बेटा कैलकुलेशन और पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको समझाया गया कि आप एक प्लस क्यू चार्ज मान लें, वो अपनी क्या शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें दो पॉइंट्स मानो A और B, दैट इज सेपरेशन ऑफ R A एंड द R ऑफ B, इन व्हिच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी फाइंड आउट। तो तरीका क्या कहता है बेटा कि अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो बी पॉइंट पे क्या रखो, टेस्ट चार्ज, और जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखेगा तो वो इस तरफ को क्या फील करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और कितना फील करेगा, क्यू नॉट इनटू ए। हो गया जी। अब इस टेस्ट चार्ज को अगर हम बी से ए लाए, फिर समझो कहां से ला रहे हैं, बी से ए, तो डेफिनेटली कंप्लीट सब वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये टेस्ट चार्ज जाना तो चाह रहा है इस तरफ को, पर इसे अगर हम बी से ए लाएं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और मुझे जितना भी वर्क करना पड़ेगा उतना ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो समझाता आ रहा हूं। अब क्या है बेटा, नाउ ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब दिमाग लगाना, रटना नहीं, नाउ ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। सोचो अपने आप कि जैसे हम टेस्ट चार्ज को बी से ए की तरफ को प्रोसीड करेंगे, यहां पे लाएंगे, तो जैसे टेस्ट चार्ज इस तरफ को आता जाएगा तो वी हैव टू कंप्लीट सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और हमें जितना भी वर्क करना पड़ेगा उतना ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यही लाइन बड़े काम की है। नाउ ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। जब टेस्ट चार्ज को हम बेटा बी से ए को प्रोसीड कराएंगे, सपोज करें इस वाले पॉइंट पे आ गया, उसके बाद इस वाले पॉइंट पे आ गया, ऐसे इधर को लाएंगे बेटा, जब टेस्ट चार्ज इस तरफ को आएगा तो वी हैव टू कंप्लीट सम वर्क अगेंस्ट, यानी कंप्लीट सम वर्क, बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, कंप्लीट सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब देखिए, नाउ ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, देन कंप्लीट सम वर्क against the now complete some work, calculate some work, now bring the test chart from B to A, so complete some work against the यहाँ किसी जगह छोड़ रहा हूँ, against the force of repulsion, फिर समझिए, against the force of repulsion, so now bring the test chart from B to A, then complete some work against the force of repulsion। यहाँ पे मैंने खाली जगह को सोच के छोड़ी है। जब हम टेस्ट चार्ज को इस तरफ को लाएंगे तो वी हैव टू कंप्लीट सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो जब ये चार्ज यहाँ पे होगा, जब ये चार्ज यहाँ पे होगा, जब सेपरेशन ये होगा, फिर सेपरेशन ये होगा, और फोर्स को निकालने का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। तक को सोचो कि जितना लोग पास आएगा उतने इनके बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा, और सेपरेशन कम होता जाएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ती जाएगी। बात दिमाग में आ गई होगी कि जितना टेस्ट चार्ज बी से ए की तरफ को जाएगा तो क्यू और क्यू नॉट के बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा, और जितना सेपरेशन कम होता जाएगा उतनी फोर्स बढ़ती जाएगी। तो खुद सोचो कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो आंसर आएगा सर अगेंस्ट द वेरिएबल फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर ये बोल नहीं समझ में आ गई तो 10 मिनट का डेरिवेशन है, मेन चीज समझाने में होती है। देख बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, लंबा डेरिवेशन है, बहुत सोचना पड़ता है इन चीजों। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आपने प्लस क्यू चार्ज माना, वो प्लस क्यू चार्ज अपने क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स मान लें ए और बी एट ए गैप ऑफ आर ए एंड द आर ऑफ बी।
इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी फाइंड आउट. फर्स्ट पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट, अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो तरीका क्या रहता है? बी पॉइंट पे क्या रखो? टेस्ट चार्ज. और जैसे टेस्ट चार्ज को रखेगा तो वो इतना फोर्स फेल करेगा. अब इस टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और जितना भी वर्क करना पड़ेगा उतना ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस. तो मैंने अगला पॉइंट क्या लिखा? नाउ ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए एंड कंप्लीट सम वर्क अगेंस्ट द वेरिएबल फोर्स ऑफ रिपल्शन. वेरिएबल क्यों बोला? आपको आ गया होगा. यानी कि नाउ बेटा वी हैव टू फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट, रटा नहीं फिर बोल रहा हूं, वर्क डन अगेंस्ट द वेरिएबल, वर्क डन अगेंस्ट द वेरिएबल फोर्स ऑफ रिपल्शन. यानी कि बेटा जो हमें वर्क फाइंड करना है वो कैसा निकालना है? अगेंस्ट द वेरिएबल फोर्स ऑफ रिपल्शन, नॉट कॉन्स्टेंट. और आपको अच्छे से मालूम है कि वर्क डन निकालना है अगेंस्ट द वेरिएबल फोर्स ऑफ रिपल्शन. और 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है तो फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा, और फोर्स अगर वेरिएबल है तो फॉर्मूला इज द एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर. और वही लॉजिक बेटा कि कहां से और कहां तक, तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि अगर फोर्स अगर वेरिएबल होगा वेरिएबल फोर्स अगर कैसे निकालते हैं? पहले स्मॉल का निकाल लो और बाद में से पूरे वर्क के लिए क्या करो? इंटीग्रेट. तो हमें काम कर लेते हैं, वॉल्यूम अगेंस्ट द वेरिएबल फोर्स ऑफ रिपल्शन. अगर आपने वेरिएबल वर्ड लिख दिया तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, पर पूरे के लिए उसे क्या करेंगे? इंटीग्रेट. तो देख बेटा आपने वेरिएबल वर्ड डाल दिया, तो अगला वर्ड लिखिए वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए, और लेट द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज द डी ऑफ आर. तो इस कंडीशन में जो वर्क का फॉर्मूला बनेगा दैट्स फ्रॉम एफ डॉट डी आर, दैट्स द फॉर्मूला फॉर द वेरिएबल फोर्स. अब क्वेश्चन है सर वर्क निकालना है पर कहां से और कहां तक? तो मैं इसको कहां से लाया? आर बी से शुरू करा और कहां तक लाया? टिल द आर ऑफ ए. यानी वी हैव टू फाइंड द वर्क डन फ्रॉम आर बी टू आर ऑफ ए. अगर ये लॉजिक आ गया तो देख बेटा वर्क का जो फॉर्मूला होता है फॉर द वेरिएबल फोर्स, अगर आपको कहीं वर्ड लिखा मिल जाए कि वेरिएबल फोर्स है, तरीका ये होता है कि पहले स्मॉल का निकाल लो बाद में पूरे के लिए क्या कर दो? इंटीग्रेट. तो वी हैव टू फाइंड द वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बट दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज द डी ऑफ आर, यानी कि एफ डी आर. अब कहां से और कहां तक, इसको आप यहां भी शो कर सकते हो डायग्राम में. ये पहले बी से था, इसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बनाया, कितना बेटा? डी ऑफ आर. और यहां पे क्या आ गया? क्यू नॉट. ठीक है बेटा, कि अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो वी हैव टू फाइंड द वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और बाद में से पूरे के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेट. अब देखो बेटा एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हम लोग सब आराम से कर सकते हैं. एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन और ये हम फाइंड कर चुके हैं, दैट्स अ क्यू नॉट इनटू ए ई, और दैट्स अ डी ऑफ आर, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम आर बी टू आर ऑफ ए. एक सिंपल कैलकुलेशन चल रहा है. अगर हम और सॉल्व करें, दैट्स अ क्यू नॉट एंड द दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत पढ़ाया गया बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दैट्स अ क्यू अपॉन ए आर स्क्वायर, और दैट्स अ डी ऑफ आर, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम आर बी टू आर ऑफ ए. इसमें सिंपल इंटीग्रेशन यूज करना है जो हम 11वीं क्लास में बहुत पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर याद नहीं आ रहा तो समझ लो. अगर यहाँ पे डी ऑफ एक्स होगा तो इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स का ही निकलेगा, डी ऑफ वाई होगा तो वाई का ही निकलेगा, और डी ऑफ आर है तो सिर्फ आर का ही निकलेगा. बाई ऑल टर्म्स आर कॉन्स्टेंट. यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म्स को हम लोग बाहर निकाल देते हैं बेटा, क्यू बाहर आएगा, क्यू नॉट भी बाहर आएगा, अपॉन में कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दैट्स द 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर इनटू में डी ऑफ आर, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम आर बी टू आर ऑफ ए. अब इंटीग्रेशन याद नहीं है तो थोड़ा सा समझ लो. अगर मैं बोलता कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 6, तो फॉर्मूला एक्स का पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, ऐसे ही पढ़ते थे 11वीं क्लास में. अगर मैं बोलता कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स का पावर 6, तो क्या करते थे? इसको पहले ऊपर लाएगा तो एक्स का पावर माइनस एक्स आएगा, इनटू में डीएक्स लगा दो, और दैट्स एक्स का पावर माइनस 6 प्लस 1 अपॉन माइनस 6 प्लस 1. वही सिंपल टेक्निक है. अगर हम फर्दर सॉल्व करें बेटा तो वर्क का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? दैट्स अ क्यू इनटू में क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पर्सनली ऊपर ले जाओ
तो ये आएगा r का पावर माइनस टू इंटू में डी ऑफ r एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम r b टू r ऑफ a. फर्दर सॉल्व कर दो. अगर हम और आगे प्रोसीड करें बेटा तो डेल्टा q और डेल्टा q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो r की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम r b टू r ऑफ a. अब देखो बेटा इस वाले पार्ट को अगर हम थोड़ा सा और प्रोसीड कर दें जैसे q इनटू में q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आगे सॉल्व करेगा तो r का पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम r b टू r ऑफ a. अब देखिए बेटा इस वाले माइनस को अगर हम बाहर ले आए तो वर्क का फॉर्मूला क्या बना बेटा जैसे माइनस ऑफ q इनटू में q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो r का पावर माइनस वन है इसको नीचे ले आओ तो डेट्स द 1 बाय r और डेट्स फ्रॉम r b टू r ऑफ a. लॉजिकली चल रहा है. अगर इसको फर्दर सॉल्व कर दें बेटा तो डेट्स द माइनस ऑफ q इनटू में q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और लिमिट्स कैसे पुट करते हैं बेटा कि सारे में अपर लिमिट डेट्स अपर लिमिट और डेट्स द लोअर लिमिट और पूरी की पूरी वैल्यू है पहले अपर लिमिट यानी कि 1 अपॉन r ऑफ a और माइनस का 1 अपॉन में r ऑफ b. अब देखो बेटा यहां पे जो माइनस है इस वाले माइनस को हटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं. इस माइनस को हटाने का तरीका मैं पूरा पढ़ाने के बाद फिर समझाता हूं तो जल्दी समझ में आ जाता है डेरिवेशन ही आ जाता है. अपने आप देखो बेटा एक लाइन में खत्म कर रहा हूं. ये माइनस में बहुत सारे बोलेंगे इसको हटा दो मैग्नीट्यूड निकाल दो. नहीं बेटा अपने आप देखो फोर्स ऑफ रिपल्शन और डिस्प्लेसमेंट दीज टू आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. क्या कहता है आपका दिमाग ये सर फोर्स इस तरफ हुआ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ तो बोथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. अब सोचो इसमें गलती है. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो दैट्स नॉट द dr दैट्स द माइनस ऑफ dr. माइनस क्यों आएगा आपको आ गया होगा. Both the force and displacement are in the opposite direction. अगर ऐसा है तो माइनस यहाँ जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा और ये माइनस यहाँ जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, ये माइनस यहाँ हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू भी प्लस हो जाएगा. माइनस का कॉन्सेप्ट आगे होगा तो ये निकला क्या बेटा दैट्स द वर्क टाइम. दैट्स द वर्क टाइम टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन. देख बेटा एक बार सारे को सम अप कर जा. ये आ गया क्लास तक अपने आप आता जाएगा. टॉपिक का नाम था कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो मैंने प्लस टू चार्ज माना उससे अपना क्या शो करा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके दो पॉइंट्स मान ली ए और बी एट ए गैप ऑफ आर ए एंड द आर ऑफ बी इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी फाइंड आउट. फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए. सेकंड पॉइंट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स प्लेस ए टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट ऑफ बी. आपको समझाया था और जैसे ही वहां पे स्ट्रेस चार्ज को रखेगा तो इस तरफ वो क्या फील करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन. अब इस स्ट्रेस चार्ज को बी से लेके जाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द वेरिएबल फोर्स ऑफ रिपल्शन. और मुझे जितना भी वर्क करना पड़ता है उतना ही उन दोनों के बीच में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस. तो मैं इसे लेके यहां पहुंच गया कि सर वर्क डन अगेंस्ट द वेरिएबल फोर्स ऑफ रिपल्शन. और वेरिएबल फोर्स का तरीका ये होता है कि पहले स्मॉल के लिए निकाल लो और बाद में से पूरे के लिए क्या कर दो इंटी माइनस का वन अपॉन में आर बी यानी कि क्या निकल गया दैट्स द वर्क डन टू ब्रिंग इट टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन. क्या निकला आपको आ गया होगा. अब देख बेटा जो जो आपने पढ़ा है उसको फिर से रिपीट कर. अगर मैं बोलता कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला पोटेंशियल डिफरेंस तो मैंने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन completed by the test charge. ये तो कहा था कि potential difference की definition क्या लिखवाई थी सबसे पहले कि potential difference is the amount of work done completed by the test charge.
तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की पूरी कैलकुलेशन कर दें वॉल्यूम क्या निकला बेटा, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन मी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द वन अपॉन आर ए माइनस का वन अपॉन मी आर बी और डिवाइडेड बाय मी क्यू नॉट, तो इससे वैल्यू कट हो जाएगा. तो वी गॉट द फॉर्मूला टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट्स द क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द वन अपॉन आर ए माइनस का वन अपॉन मी आर बी. मेरे ख्याल से लॉजिकली आपको आ गया होगा. इसके अंदर ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है और दैट्स द फॉर्मूला टू फाइंड द वर्क डन. अब देख एक छोटा सा टॉपिक और है उसको और लेंगे फिर न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करवाते हैं. देख बेटा पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और ये पोटेंशियल निकालना आ गया. पोटेंशियल निकालते कैसे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको पोर्शन से पढ़ लो बेटा. पोटेंशियल एट ए पॉइंट सपोज करें जो पढ़ते आ रहे हैं, मेरे पास क्या बेटा प्लस क्यू चार्ज और ये क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, वही सेम टॉपिक चल रहा है. अगर मैं पूछूं कि हाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ ए, मैंने आपको खूब दबा के समझाया था कि इस पॉइंट पर अगर हमें क्या फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैंने आपको क्या समझाया था याद करो कि आपको जिस पॉइंट पे भी क्या निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे क्या रख दो टेस्ट चार्ज, और जैसे ही वहां टेस्ट चार्ज को रखेगा तो क्या फील करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, और इस वाले पॉइंट पे वो जितनी भी फोर्स फील करेगा उतनी ही यहां पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ऐसा हम पढ़ चुके हैं. अब टीचर आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा कि सर हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ ए और हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ बी और हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ सी. तरीका समझ लो, डेरिवेशन आ जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा. हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ ए और हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ बी और हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ सी. तो कुछ भी मत करो बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाओ. कहाँ पे जाओ? इनफाइनाइट डिस्टेंस. इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर नहीं होता है बेटा. इनफाइनाइट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर. ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट. तो तरीका ये है बेटा, अगर यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या रखो टेस्ट चार्ज, और उसमें टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लाओ. इनफाइनाइट से ए तक लाओ, तो उसमें टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन उतना ही इस वाले पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल. फिर समझो, अगर मैं कहूँ कि हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ बी, तो तरीका होता है बेटा कि इनफाइनाइट पे जाएं और यहाँ पे क्या रख दें टेस्ट चार्ज, और सर टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से बी तक लाएं. इनफाइनाइट से बी तक लाएं, तो टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से बी तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा उतना ही इस पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल. फिर समझो, अब मैं कहूँ कि सर हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तो लॉजिकली बोलो कि सर इनफाइनाइट पे जाओ और वहां पे क्या रखो टेस्ट चार्ज, और सर टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेके आओ, तो हमें जितना भी वर्क करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन उतना ही इस वाले पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल होगा. तो इसको इंग्लिश में क्या डिफाइन करेगा कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज आल्सो द अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू डेड पॉइंट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो इसे क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क is the amount of work done to bring a test charge from infinite to dead point. From infinite to कहाँ बेटा? Dead point और same word against क्या बेटा? Against the force of repulsion. Against the force of repulsion. फिर समझते हैं. Potential at a point कैसे निकालते हैं? जब तक ये नहीं आएगा calculation नहीं कर पाएगा. अगर मैं कहूँ कि हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ ए, तो आप तरीका समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट पे क्या रखो टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लाओ. इनफाइनाइट से ए तक लाओ, तो टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन उतना ही इस पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल होगा. तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वही बोला जो बोल रहा हूं बेटा, टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू डेड पॉइंट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन. इसका भी कैलकुलेशन है, फिर अगेन मेथड्स में लेके चलता हूं. देखिए बेटा, अगर हम इसके छोटा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट करें
कैलकुलेशन है बेटा इसका, टॉपिक का नाम कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो कैसे निकालना है, ये क्या है बेटा प्लस टू चार्ज, और ये क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पड़ता आ रहा है उस पर ही रहना है। यहाँ पे पॉइंट ए मान लें एट ए गैप ऑफ आर ऑफ ए, एट ए गैप ऑफ आर ऑफ ए, एट विच द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। अगर तरीका दिमाग में है तभी से कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। टॉपिक क्या है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो मैंने एक प्लस क्यू चार्ज मान लिया, वो अपनी क्या शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए मान लो एट ए डिस्टेंस ऑफ आर ऑफ ए एट विच द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। देखिए यहां से देते हैं, लेट ए प्लस क्यू चार्ज, लेट ए प्लस क्यू चार्ज विच शोज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने प्लस क्यू चार्ज मान लिया, वो अपना क्या शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे टेक ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस, टेक ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ आर ए, टेक ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ ए आर ए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच द पोटेंशियल is to be find out, at which the potential is to be find out। Topic का नाम था बेटा calculation of potential at a point। तो मैंने plus two charge मान लिया, वो हमें क्या show कर रहा है electric field, और उस पर electric field के अंदर एक point a मान ले at a distance of r of a, at which the potential is to be find out। अब देख बेटा जो तरीका है, अगर तरीका दिमाग में आता है तो कर पाएगा, वरना नहीं। क्या सिखाया था कि अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो तरीका क्या था कि इनफाइनाइट पे क्या रखो टेस्ट चार्ज, और सॉरी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लाओ। अब इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, उतना ही इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। तरीका मेरे दिमाग में आ गया। तो मैंने क्या करा बेटा, टू फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ ए, टू फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ ए, तरीका क्या बोलेगा, इनफाइनाइट पे टेस्ट चार्ज रखेगा और टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लाऊंगा, और मुझे जितना भी वर्क करना पड़ेगा उतना ही इस पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल। लॉजिक पे आ गया, इनफाइनाइट पे क्या रखा टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लाना है। तो देख बेटा अगला पार्ट, टू फाइंड द पोटेंशियल at the point of A, to find the potential at the point of A, bring a test charge, bring a test charge from infinite to A, ये तो logic चल रहा है यार, to find the potential at the point of A, bring a test charge from infinite to A, ये पढ़ा है, आपने लिखा to find the potential at the point of A, bring a test charge from infinite to A। अब तुम खुद सोचते जाओ, जब इस टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से ए तक लाएंगे तो मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और जितना भी वर्क करना पड़ेगा उतना ही इस वाले पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल। ये मेरी खोपड़ी में समा गया। तो टू फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ ए, ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए। सोचते जाओ, जब इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां से यहां पे लाऊंगा तो ये कोई फोर्स फील नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। जब ये यहां पहुंचेगा तब भी कोई फोर्स फील नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। पर जैसे ही ये वाला टेस्ट चार्ज यहां पे पहुंचेगा एट द पॉइंट ऑफ पी, जब यहां पे पहुंचेगा तो डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स ऑफ रिपल्शन। यानी कि जब इस टेस्ट चार्ज को मैं इनफाइनाइट से ए तक ला रहा हूंगा तो यहां पे कोई फोर्स फील नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। यहाँ पे कोई फोर्स फील नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। पर वो जैसे इस वाले पी पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या फील करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरफ को, और कितना फील करेगा क्यू नॉट इनटू ए। मेरे ख्याल से बात में आ गया होगा। टू फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ ए, ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए। जब मैं उसे इनफाइनाइट से ए तक लाऊंगा तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं। जैसे ही वो पी पे पहुंचेगा तो क्या फील करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन।
अब इसे अगर मैं पी से आगे को लाऊं तो मुझे बार करना पड़ेगा, फिर सुन लो, बार बार सुन लो, जब इसे इनफाइनाइट से इधर लाऊंगा तो यहाँ पे कोई फोर्स फील नहीं करेगा, कोई फोर्स फील नहीं करेगा तो कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, यहाँ पे कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, पर जब वो पी पे पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, एट द पॉइंट ऑफ पी, वो क्या फील करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के है ना, और इसमें आपको फोर्स फील करेगा। अब अगर मैं इससे और आगे लाऊ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पहुंचा फोर्स बोल रहा वापिस चला जा और मुझे इस तरफ बोलाना है, तो वी हैव टू कंप्लीट सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब लगाओ बेटे, जब इसे पी से ए तक लाऊंगा तो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द, क्या बोलूं, कॉन्स्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स, तो आंसर आएगा सर अगेंस्ट द वेरिएबल फोर्स, तो वही लॉजिक चलता जाएगा। अगला वर्ड बनाते हैं, एज द टेस्ट चार्ज विल प्रोसीड, एज द टेस्ट चार्ज विल प्रोसीड फ्रॉम पी टू ए, बार बार समझिए, एज द टेस्ट चार्ज विल प्रोसीड फ्रॉम पी टू ए, देन कंप्लीट सम वर्क, एज द टेस्ट चार्ज विल प्रोसीड फ्रॉम पी टू ए, देन कंप्लीट सम वर्क अगेंस्ट अगेंस्ट द वेरिएबल, अब मेरे ख्याल से वेरिएबल नाम का वर्ड आपको आगे होगा, as the test charge will proceed from P to A, then complete some work against the variable force of repulsion. मैंने variable क्यों बोला, एक बार फिर से समझ लो, जब तक ये नहीं आएगा आगे नहीं चलना। जब हम test charge को infinite से A तक लाएंगे तो यहाँ पे कोई फोर्स फेल नहीं करेगा तो नो वर्क, यहाँ कोई फोर्स फेल नहीं करेगा तो नो वर्क, पर जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस तरफ को क्या फील करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये बोल रहा इधर भाग जा, अगर मैं इसे इस तरफ को लाऊं तो मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना ही पड़ेगा, और ये फोर्स वेरिएबल है, कैसा बेटा, वेरिएबल, क्योंकि जितना आगे आएगा उतना सेपरेशन कम होता जाएगा, और सेपरेशन कम होता जाएगा तो फोर्स बढ़ती जाएगी। पूरी लास्ट डेरिवेशन का लॉजिक है कि अगेंस्ट द वेरिएबल फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क निकालने का वही पुराना फॉर्मूला फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और पूरे के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, यानी कि वी हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वही लॉजिक मान लें डी ऑफ आर, कितना बड़ा डी ऑफ आर, यानी कि बेटा इसे मैंने थोड़ा सा प्रोसीड कराया, कितना प्रोसीड कराया बेटा, डी ऑफ आर, तो देखिए टेस्ट चार्ज यहाँ पे आ चुका है, डी ऑफ आर बेटा, इसको थोड़ा सा प्रोसीड करा दे, डी ऑफ आर यहाँ पहुंच गया, टेस्ट चार्ज यहाँ पे होगा, पर मान ले द सेपरेशन इज आर, सेपरेशन इज आर यहाँ पे आ चुका है, तो वॉल्यूम फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ आर, और फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क निकालने का वही पुराना फॉर्मूला चलेगा, एफ डॉट डी आर, और कहाँ से लाया और कहाँ तक लाना है, तो मैं इसे कहाँ से ला रहा हूँ, फ्रॉम इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ, यहां से ला रहा हूं, यहां से, और मुझे इसको यहां तक लाना है, इनफिनिट से लाया और कहां तक लाऊंगा, फ्रॉम आर ऑफ ए, अगर ये देख बेटा वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ आर, स्मॉल के लिए क्यों निकाल रहा हूं, आपको आ गया होगा 50 बार ही मैंने बोल दिया बेटा, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं वेरिएबल फोर्स है बेटा, तो फ्रॉम लेफ्ट और डी आर, और कहां से और कहां तक, फिर एक बार बुद्धि लगा लो कि दैट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और दैट्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो मुझे मालूम नहीं है यार, तो पहले ही लगा कि चलो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस, माइनस क्यों आएगा आपको आगे होगा, बिकॉज बोथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, फॉर द सॉल्व फॉर द सेम डेरिवेशन है, एफ का वैल्यू पुट करेगा दैट्स अ क्यू नॉट इनटू में ई और दैट्स द माइनस ऑफ डी आर, और कहां से और कहां तक, फॉर द सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम डेरिवेशन पर, आपको इंटीग्रेशन निकाले का लास्ट में क्या लगा हुआ डी ऑफ आर, इंटीग्रेशन सिर्फ आर का ही निकलेगा, बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, यहाँ पे माइनस बाहर है, क्यू बाहर है, क्यू नॉट पहले से बाहर है, और अपॉन में कितना है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना बचा बेटा 1 पाई आर स्क्वायर, और दैट्स द डी ऑफ आर, और दैट्स द इनफिनिट टू आर ऑफ ए, फिर फर्दर सॉल्व करते हैं तो वर्क कितना बन रहा है बेटा, दैट्स द माइनस ऑफ क्यू, और दैट्स द क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही 10 मिनट पहले वाला इंटीग्रेशन,
इसको ऊपर लाएगा तो r का पावर माइनस टू डेट्स d ऑफ r एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम इनफाइनिट टू r ऑफ a फर्दर सॉल्व करते हैं डेट्स द माइनस ऑफ q इनटू में q नॉट अपॉन में 4 पाई एब्सेंट नॉट और इसका इंटीग्रेशन वही r का पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम इनफाइनिट टू r ऑफ a अब देखिए बेटा इसको कुछ स्टेप और बढ़ा देते हैं इसके अंदर that's the minus of q or that's the q naught upon me 4 pi epsilon naught or that's the r ka power minus 1 upon me minus 1 but that's from infinite to r of a is the minus ko bahar le aao to minus minus kya ho jayega plus or that's the q to me q naught upon me 4 pi epsilon naught dimag lagaye ye minus bahar chala gaya is value ko niche laenge to 1 by r minus 1 jayega plus 1 ho jayega और डेट्स फ्रॉम इनफाइनिट टू आर ऑफ ए अब इसमें अगर हम लिमिट्स को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा तो लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर तो डेट्स द बेटा क्यू और डेट्स द क्यू नॉट अपॉन मी 4 पाई एब्सेंट नॉट और यहां पे डेट्स द अपर लिमिट और डेट्स द लोअर लिमिट तो डेट्स द 1 अपॉन आर ए और डेट्स द माइनस का 1 बाय इनफाइनिट सारे में अपर लिमिट माइनस सारे में लोअर लिमिट the value of 1 by infinite is 0 इसका value कितना आ गया 0 इसका मतलब बेटा कि infinite में हमें कोई work करना नहीं पड़ेगा अगर हम इसे further solve करें तो work क्या निकला बेटा q into me q naught upon me 4 pi epsilon naught but that's the r of a अब question है कि सर ये क्या निकल गया तो आपने क्या निकाला सोचो कि that's the amount of work done that's the amount of to bring a discharge from infinite to dead point against the force of repulsion. क्या निकला आपको आगे होगा? अगर टीचर बोलता है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे निकालते हैं तो आप उससे पहले तरीका समझा दूं कि हमें जिस पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकालना है हम क्या करते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या रखते हैं डिस्चार्ज और डिस्चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेके आते हैं अब उस डिस्चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन उतना ही उस पॉइंट पे क्या होता है पोटेंशियल वही हमने यहां पे यूज करा है अगर मैं कहूं कि कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट तो आप एक प्लस टू चार्ज मान लें वो अपना क्या शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें पॉइंट ए मान लें एट ए डिस्टेंस ऑफ आर ए एट व्हिच द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट अगला वन बेटा to find the potential at this point place a test charge at the point of infinite or so the test charge ko infinite se a tak lae infinite se a tak lae jab isko infinite se a tak leke aayega to yahan pe koi work karna nahi padega kyunki electric field itni hi yahan pe koi work karna nahi padega par wo jaise hi p pe pahunchega to kya feel karega force of repulsion yahan positive force is taraf ko lagega aur we have to bring it from p to a iska matlab as the test charge will proceed from P to A, then complete some work against the variable force of repulsion. अगर फोर्स वेरिएबल है तो पहले स्मॉल का निकाल लो बाद में से पूरे के लिए क्या कर दोगे T तो क्या निकला बेटा ये जो हमने फाइंड करा हमारे एक वैल्यू निकल गया ये निकला कि वर्क इक्वल्स टू Q into Q naught upon 4 pi epsilon naught और that's the R of A तो निकला क्या that's the work done to bring a test charge from infinite to dead point against the force of repulsion और जो हमने पढ़ा था उसको याद करें हमने क्या लिखा था बेटा कि potential at a point क्या पढ़ा था potential at a point is the amount of work done completed by the test charge यही तो बोलता आ रहा था यार कि potential at a point is the amount of work done completed by the test charge and the symbol of potential is the V. V is the symbol of potential. और work done का हमने क्या find करा? Q into Q naught upon 4 pi epsilon naught. That's the R of A. और upon me Q naught को Q naught से Q naught कट जाएगा. And the formula for potential that's the 1 upon 4 pi epsilon naught. That's the Q upon R of A. That's the logic बेटा. हमने formula बना लिया. That's the formula for potential. अगर टीचर बोलते हैं कि आपको पोटेंशियल निकालना है कैसे निकालते हैं फॉर्मूला कैसे बना सब आपको समझा दिया तब इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत काम आएगा कम से कम 20 से 25 न्यूमेरिकल इसके ऊपर करा हुआ आपको अगर मैं बोलता बेटा
की पोटेंशियल, तो दो बार अपने खोपड़े में उतार लो, डेट्स द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेट्स द क्यू वाई आर, डेट्स द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। अब जब हम पोटेंशियल की बात करें मैं आपसे कहूँगी फाइंड द पोटेंशियल, अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज कॉन्स्टेंट है 9 × 10⁻¹। अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हमें सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए, पहला पर चार्ज, पहला पर क्या बेटा चार्ज, और दूसरा चार्ज से डिस्टेंस, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अगर मैं कहूँ कि फाइंड द पोटेंशियल तो एक लाइन उलट जाओ बेटा, कि अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो सिर्फ दो चीजें मालूम होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस, ये पहला वर्ड जो मेरे दिमाग में हो। दूसरा वर्ड जो पोटेंशियल होता है बेटा, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वालिटी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वालिटी, तो कितना भी गंदा निर्णय करा जाए रट जाओ, एस फॉर स्केलर, एस फॉर सम, एस फॉर सम। तो अगर हम कोई भी पोटेंशियल का क्वेश्चन करेंगे बेटा तो उसमें हम लोग करेंगे क्या कि पोटेंशियल का जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो पहला वर्ड तो दिमाग में आया सर पोटेंशियल स्केलर है, अलग अलग करके निकालूंगा, एस फॉर स्केलर, एस फॉर सम, और सबका सम करूंगा। दूसरा पोटेंशियल निकालने के लिए दो चीजें हमारे पास हो, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। तो बेटा पोटेंशियल के कुछ न्यूमेरिकल्स करा लूं बेटा, और न्यूमेरिकल्स क्या गंदे गंदे न्यूमेरिकल्स हैं, बस लॉजिक समझते जाना, एक बार पकड़ लेना बस। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, एस फॉर स्केलर, एस फॉर सम, पहला वर्ड जो दिमाग में होगा। दूसरा पोटेंशियल निकालने के लिए दो चीजें मालूम होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। इसका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे शुरुआत में। एक स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे कितना बेटा प्लस ऑफ क्यू, यहाँ भी प्लस ऑफ क्यू, और यहाँ भी प्लस ऑफ क्यू, और यहाँ भी प्लस ऑफ क्यू, और साइड डायरेक्शन है बेटा ए, और हमसे बोला गया फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। फिर समझ लें क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द पोटेंशियल, जो बोल रहा हूँ उसको हट जाए, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन बात में आ गया, क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, दैट्स द क्वेश्चन। इधर से स्क्वायर के सेंटर में कितना पोटेंशियल होगा, तो जो ट्रिक आपको समझाइए उस ट्रिक को हट जाओ। सबसे पहले दिमाग में ले आएगा कि सर हमें पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है बेटा पोटेंशियल, और पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, एस फॉर स्केलर, एस फॉर सम, यानी कि अगर पोटेंशियल निकालना है तो ए वाले का सेंटर पे निकालूंगा, बी वाले का सेंटर पे निकालूंगा, सी वाले का सेंटर पे निकालूंगा, डी वाले का सेंटर पे निकालूंगा, और सबको प्लस कर दूंगा, तो क्या रहेगा टोटल पोटेंशियल। पहला वर्ड तो ये खोपड़ी में होना चाहिए कि पोटेंशियल स्केलर है, एस फॉर स्केलर, एस फॉर सम, कि सर अलग अलग करके निकाल लूंगा, सब पसंद कर दूंगा, तो पूरा पोटेंशियल आ जाएगा। अब सोचो दूसरा पॉइंट, अगर हमें पोटेंशियल निकालना है ए का सेंटर पे, बी का सेंटर पे, सी का सेंटर पे, और डी का सेंटर पे, तो खुद दिमाग लगाओ यार, चारों का थोड़ी निकाल लूंगा। पोटेंशियल निकालने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस, क्या चारों चार्ज का वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है, और चारों चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस भी सेम है, तो मैं क्यों चारों का निकालूंगा, चारों चार्ज की वैल्यू सेम और चारों चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस भी सेम, तो चारों को थोड़ी निकालूंगा बेटा। इसमें क्या करूंगा, ए का निकालूंगा, पोटेंशियल ए वाले का निकालूंगा, और चार से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या देगा टोटल पोटेंशियल। अगर हम ए वाले का पोटेंशियल फाइंड करें, देखिए बेटा ए वाले का पोटेंशियल यानी कि डेट्स का 1/4πε₀ और डेट्स का q/r और डेट्स का 4, डेट्स का 4, तो हमारे दिमाग में आया कि अगर हम पोटेंशियल निकालना है तो दो चीजें मालूम होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। तो देखिए बेटा वैल्यूज पुट करेगा, इसका पूरा वैल्यू कितना है बेटा 9 × 10⁻¹, डेट्स का चार्ज 8 और 8 कितना चार्ज पे से प्लस ऑफ 2 ही है बेटा, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। तो देखिए बेटा इस सेपरेशन को हम लोग बेटा फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस निकालने, आप लोग बाय पाइथागोरस निकालेगा ये वाला a और ये वाला a, तो ये कितना आएगा √2 of a, पूरा निकल गया, ये पूरा वैल्यू कितना आ गया √2 of a, और मुझे हाफ चाहिए तो √2 / 2 करेगा और √2 का स्क्वायर कर देगा, तो डेट्स द a/√2 और अगेन डेट्स द a/√2। चार्ज एट a, e वाले का चार्ज और a से डिस्टेंस यानी कि a/√2 और (√2)/4, यानी कि पोटेंशियल क्या बन गया इस वाले पॉइंट पे सॉल्व करेंगे, डेट्स द 9 × 10⁻¹, डेट्स द q, डेट्स द 4, √2 पर आ जाएगा,
और डिवाइडेड बाय में ए तो आंसर इज द दैट्स द 36 36 ऑफ रूट 2 इनटू में 10 का पावर 9 बाय ए और इसका यूनिट क्या होता है बेटा वोल्ट दैट्स द सिंपल न्यूमेरिकल ऑपरेशन तो इस क्वेश्चन को कराने का मीनिंग ये था कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी कितना भी गंदा क्वेश्चन आ जाए एज पर स्केलर एज पर सम यही लॉजिक रहेगा अब चारों का मिसाल करना है बेटा अब मेरे दिमाग में आने सर चारों चार्ज का वैल्यू सेम है और चारों चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस भी सेम है तो मैं चारों का थोड़ी निकालूंगा एक का निकालूंगा और चार से मल्टीप्लाई कर दूंगा अब अगर मैं ए का पोटेंशियल निकालूंगा तो ए वाले का चार्ज और ए से सेंटर तक का डिस्टेंस यहां पुट कर दूंगा फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा इसमें जो क्वेश्चन में मेंशन है क्यूब हमारे पास है बेटा और क्यूब के 8 वर्टिसेस हैं कितने वर्टिसेस 8 और 8 वर्टिसेस पे चार्ज प्लेस है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू हर जगह प्लस क्यू है और क्यूब का साइड कितना मेंशन है बेटा ए और हमसे वही क्वेश्चन कहा गया फाइंड द पोटेंशियल फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ क्यूब फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं ए क्यूब ऑफ साइड ए हैव द 8 चार्जेस ईच ऑफ द क्यूब प्लस क्यू आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ द क्यूब और क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब तो तरीका ही रह जाता है अगर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है क्या निकालना है बेटा पोटेंशियल तो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी और वही एस फॉर स्केलर एस फॉर सम अगर पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले उसको कॉपी पे लिख लो कि पोटेंशियल स्केलर है एस फॉर स्केलर और एस फॉर सम यानी कि मैं आठ का पोटेंशियल निकाल दूंगा और निकाल के जमा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा टोटल पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पोटेंशियल ऑफ सेकंड पोटेंशियल ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ दैट्स द एट इन सबको फाइंड कर लूंगा सबका सम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा टोटल पोटेंशियल यही मतलब वर्ड बोलते हैं बेटा दिमाग में का पोटेंशियल निकालने के लिए दो चीज सीख ले दो चीज रट जाने को पोटेंशियल ये स्केलर एस फॉर स्केलर एस फॉर सम पहला काम ये करूंगा दूसरा पोटेंशियल निकालने के लिए दो चीजें मालूम होना चाहिए चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस तो दादा दिमाग यार इसमें आठों चार्ज की वैल्यू सेम है और आठों चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है आप देखिए बेटा वर्टिसेस से सेंटर तक का डिस्टेंस तो सेम ही है तो मैं क्यों आपको देखिए क्यूब है तो क्यूब के हर कोने से सेंटर तक का डिस्टेंस तो सेम ही होगा डेढ़ सा आर सेम ही होगा तो मैं क्यों आठों का निकालूंगा एक का निकालूंगा और से आठ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल पोटेंशियल इज द 8 टाइम्स ऑफ वी ऑफ 1 यानी कि फर्स्ट वाले का निकाल लो और से 8 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आठों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और आठों चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस भी सेम है अब देखिए बेटा पोटेंशियल फाइंड करें दैट्स द 8 अगर हम फर्स्ट वाले का निकालें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द क्यू बाय नाम दे दो दैट्स द फर्स्ट चार्ज दैट्स द सेकंड चार्ज का नाम दे सकते हैं दैट्स द 8 टाइम्स ऑफ v1 दैट्स द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट्स द क्यू बाय r अब खाली बुद्धि लगाना सोचना अपने आप दैट्स द 8 और इसका पूरा वैल्यू मुझे अच्छे से मालूम है दैट्स द 9 * 10 का पावर 9 और चार्ज q ही मेंशन है तो मुझे दो चीज मालूम होना चाहिए चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस ये चार्ज का वैल्यू क्यों आ गया और इस वाले चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस कहां से कहां तक का चार्ज से सेंटर तो मुझे r चाहिए तो हम इसे फाइंड कर लेते हैं दैट्स द डायगोनल ऑफ द क्यूब मतलब एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई रूम के अंदर दैट्स द डायगोनल दैट्स द डायगोनल ऑफ द क्यूब इसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा तो 9th में डायगोनल ऑफ क्यूब निकालने का फार्मूला होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर तो डायगोनल क्या बन गया बेटा क्यूब है तो ये भी a स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर तो लेंथ ऑफ डायगोनल इज द रूट 3 ऑफ a यानी इस वाले क्यूब का जो डायगोनल है पूरा वो कितना निकला रूट 3 ऑफ a तो इसमें r कितना आ जाएगा रूट 3 बाय द ट्वाइस ऑफ a यही तो r डायगोनल का हाफ आएगा तो दैट्स द बेटा रूट 3 अपॉन में 2 और दैट्स द a फर्दर सॉल्व करते हैं इसको तो आंसर निकला बेटा v equals to 8 into 9 into 2 भी ऊपर आ जाएगा दैट्स द 10 का पावर 9 दैट्स द q और दैट्स द रूट 3 ऑफ a मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं साथ में लगाना वोल्ट तो बेटा पोटेंशियल का क्वेश्चन कोई गंदा नहीं होता बस खाली दो ही वर्ड पकड़ के चलो और 30 क्वेश्चन करो इसके कम से कम पहला वर्ड पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एज फॉर स्केलर एज फॉर सम
दूसरा पॉइंट पोटेंशियल निकालने के लिए दो चीजें मालूम होना चाहिए, चार दो चार से डिस्टेंस तो उसको दिख रहे हैं, सारे चार की वैल्यू सेम है और सारे चार से सेंटर तक का डिस्टेंस भी सेम है, तो सबका थोड़ी निकालूंगा यार, एक का निकाल के चार से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब इसके न्यूमेरिकल्स बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बेटा, ठीक है बेटा, आगे इस काम को